हेलो फ्रेंड्स, शादीशुदा जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दो लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे की बात को समझें। लेकिन कई बार इन दोनों चीजों से ऊपर भी कोई तीसरी चीज आ जाती है और वो होता है दोनों में से किसी भी एक का ईगो, यानी कि घमंड। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप से ईगो को बाहर निकालें तो आपको सबसे पहले खुद से ही पहल करनी होगी। आपको अपने अंदर का घमंड सबसे पहले अपने अंदर से निकालना होगा। अगर आप रिश्ते को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि घमंड दिखाकर आप किसी भी रिलेशनशिप को नहीं चला सकते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ये सबको पता है, लेकिन बार बार अपनी ही प्रशंसा करके अपने पार्टनर को नीचा दिखाना सही आदत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन अच्छा बने तो कुछ अपनी खूबियाँ और कुछ अपने पार्टनर की खूबियाँ, दोनों की चीजों को मैच करिए। हमेशा अपनी प्रशंसा करना और अपने पार्टनर को नीचा दिखाना रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले दोनों लोग आपस में बैठकर सही तरीके से विचार विमर्श कर लें, ताकि किसी एक की ना चले, दोनों लोग अपनी चीजों को सामने रखें और उसी हिसाब से फाइनल डिसीजन लिया जाए। एक दूसरे को प्यार से बांध कर रखें और अपने रिश्ते को चलाने के लिए ट्रस्ट यानी कि विश्वास को ही सबसे पहले सीढ़ी बनाएं, क्योंकि यही आपके लाइफ से और आपके जीवन से घमंड को दूर निकालेगा और आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।